ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी स्कॉलरशिप फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 10 जनवरी थी, और बहुत से बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि हमारा जो है पहाड़ी स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसकी फाइल्स अभी तैयार नहीं हुई हैं, थोड़ा टाइम लग गया, कुछ सर्टिफिकेट बनाने थे। और बहुत सी बच्चों की और भी कॉल्स आ रही थी कि साइट की बिजी होने की वजह से हमारा फॉर्म अपलोड नहीं हो सका। जब हमने सुबह पहाड़ी वेलफेयर जो बोर्ड के वो डायरेक्टर मैम हैं उनसे कॉल की, तो उससे उनसे जब हमने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि मैम बच्चे बहुत सफ़र हो रहे हैं, बच्चों की जो ये फॉर्म उनने ऑनलाइन करवाना था वो साइट भी बिजी थी और कुछ कोई फाइल तैयार नहीं हो पाई, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 10 दिन डेट को एक्सटेंड किया जाए। और मैम ने मुझे आश्वासन दिया कि हम जो है डेट को 10 दिन और एक्सटेंड करेंगे, और बच्चों को कह दीजिए अब जो है डेट एक्सटेंड नहीं होगी और अब जो है अपने फाइल कंप्लीट करके ऑनलाइन करवा के हार्ड कॉपी कॉलेजेस में जमा करवा दीजिए। जम्मू प्रोविंस के सारे जो यूजी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 20 जनवरी तक आप अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करके ऑनलाइन करके हार्ड कॉपी जो है वो अपने कॉलेजेस में जमा करवा दीजिए। और दूसरा सवाल ये था कि बहुत से स्टूडेंट ये कॉल कर रहे थे कि कुछ प्राइवेट कॉलेज जैसे जम्मू में तरकुटा कॉलेज था और भी कुछ कॉलेज हैं प्राइवेट जो इस फाइल्स को सबमिट कर नहीं, हार्ड कॉपीज को ऑनलाइन के बाद सबमिट नहीं कर रहे थे। जब मैम से मैंने ये बात पूछी कि उन बच्चों के लिए क्या प्रोविजन है, तो उन्होंने कहा कि उनको बता दीजिए कि रेलवे हेड प्रगति बहु प्लाजा पनामा चौक जम्मू, जो रेलवे हेड प्रगति जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सारे ऑफिस हैं वहाँ पे आए, और बहु प्लाजा 3rd फ्लोर में हमारा जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ आकर जो है अपनी हार्ड कॉपीज जमा करवाएं और अपने स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकें।